बीइंग अ नॉन सीएससी स्टूडेंट, मैंने कोडिंग कैसे चालू करी, व्हाट वाज माय मोटिवेशन, और मैंने कौन सा कोर्स लिया, हाउ डिड आई स्टार्ट, व्हाट कोर्स डिड आई चूज टू बिगिन विद, मेरा शेड्यूल क्या था, टाइम डिवीजन मैंने कैसे किया, मैंने लीट कोड कैसे यूज़ किया, सीपी में घुसने का परफेक्ट टाइम क्या है, एंड लास्ट 15-20 डेज इंटरव्यूज के पहले हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, मैंने कैसे प्रिपेयर किया, आई विल बी टेलिंग यू अबाउट माई एक्सपीरियंस। Hi everyone, I'm Naman. I'm currently a fourth year student at Punjab Engineering College, Chandigarh, and I'll be soon joining Microsoft as an SD. So today we're going to talk about my overall learning experience. How did I start? What course did I choose to begin with? मेरा schedule क्या था? Time division मैंने कैसे किया? मैंने lead code कैसे use किया? CP में घुसने का perfect time क्या है? And last 15-20 days interviews के पहले हम कैसे prepare करते हैं? मैंने कैसे prepare किया? I'll be telling you about my experience. So let's get started. पहला क्वेश्चन ये कि बीइंग अ नॉन सीएससी स्टूडेंट, मैंने कोडिंग कैसे चालू करी, व्हाट वाज माय मोटिवेशन, और मैंने कौन सा कोर्स लिया। तो सिंस आई वाज इन अ सर्किटल ब्रांच, मेरे काफ़ी दोस्त थे जो लोग कोडिंग चालू कर चुके थे, और इलेक्ट्रॉनिक्स की कोर की इतनी कंपनीज नहीं आती हैं, तो दैट्स आई वेंट इनटू कोडिंग थिंग। मैंने दोस्तों से पूछा कौन सा कोर्स लूँ, एंड अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स वर डूइंग दिस कोडिंग इन जस्ट का DSA फाउंडेशन कोर्स, सो आई टुक इट, क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा लगा था उनका पढ़ाने का तरीका, एंड द वे दे यूज टू पोर्ट्रे एंड टेल अस कैसे कॉन्सेप्ट्स बताते थे अंकुश सर, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। दिस आई स्टार्टेड विद द कोर्स। अब मैंने सबसे पहले कोर्स चूज़ किया था फाउंडेशन, DSA फाउंडेशन का कोर्स। फिर जैसे ही कोविड हुआ, कोविड के टाइम मेरी प्रिपरेशन चालू करी। कोविड के टाइम एक्चुअली सिंस इट वॉज अ कम्प्लीट लॉकडाउन, आई हैड अ लॉट ऑफ टाइम टू प्रिपेयर। मैंने अपना टाइम डिवीजन ऐसे किया कि आई यूज टू स्टडी एट नाइट, बिकॉज हमें पढ़ते टाइम एक स्ट्रेच में पढ़ाई चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि एक घंटे पढ़ाई करी, आधा घंटा ब्रेक लिया, मैंने कभी ऐसा नहीं किया। माई शेड्यूल वॉज कि मैं दिन में 4 बजे सो के रात को 8-9 बजे उठता था। 8-9 बजे उठ के मैं सुबह के 6 बजे तक स्ट्रेच पे पढ़ता था, बीच में डिनर एंड ऑल ये तो होता ही है, बट मेरा स्ट्रेच पे पढ़ाई रहता था। आई यूज टू स्टडी फॉर स्ट्रेच, है ना, स्ट्रेच में मैंने पढ़ाई करी, 15-16 घंटे दिन के निकालता था, क्योंकि रात में कम्प्लीटली नॉइज नहीं होती है, बिल्कुल शांत होता है। दैट वॉज द परफेक्ट टाइम व्हेन आई स्टार्टेड कोडिंग। एंड जब मेरा कोर्स कम्प्लीट हुआ, सबसे पहले व्हाट आई डिड वाज कि मैंने सिर्फ कोर्स पे ध्यान दिया। कुछ लोग कहते हैं कि शुड आई प्रैक्टिस अलॉन्ग विद द कोर्स, मैं कहता हूँ पहले कोर्स कंप्लीट करो, बिकॉज शायद जो आप क्वेश्चन अभी कर रहे होंगे आपको उसके अल्टरनेटिव तरीके नहीं पता होंगे, उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम करने के तरीके नहीं पता होंगे, बट जब कोर्स कर चुके होंगे शायद पुराने क्वेश्चन के का करने का तरीका कुछ और हो, कोई अच्छा मेथड हो, तो पहले कोर्स कंप्लीट कर लो जिससे आपको ओवरऑल नॉलेज हो जाए कि क्या क्या डेटा स्ट्रक्चर वी कैन यूज़ इट। तो मेरा शेड्यूल ऐसे ही रहता था, सुबह 6 बजे तक मैं एक बार स्ट्रेच पे पढ़ लेता, फिर थोड़ा ब्रेक लेके आई यूज़ टू स्टडी वापस से 12 बजे तक, 8 बजे वापस से बैठ जाता था सुबह, फिर 8 से 12 वापस से पढ़ता था, एंड देन जो बाकी काम होता था एंड फिर दिन में सो जाता था। तो ऐसे आई यूज़ टू हैव 14 आवर्स अ डे, एंड ऐसे में फर्स्ट टाइम होता था। उसके बाद जैसे कोर्स कंप्लीट हुआ, कोर्स कंप्लीशन के बाद व्हाट डिड आई डू अस, मैंने इनका जो कोड स्टूडियो था, कोड स्टूडियो पे मैंने क्वेश्चंस लगाना चालू किया, बिकॉज आई डिडंट नो कि कौन कौन सी जगह हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैंने कोड स्टूडियो पे काफ़ी प्रैक्टिस करी। कोड स्टूडियो के बाद आई हैड अ टॉक विथ माई सीनियर, उन्होंने मुझे बताया कि फॉर क्रैकिंग माइक्रोसॉफ्ट यू शुड ट्राई एंड डू लीड कोड। मैंने लीड कोड चालू किया, तो वी गोना आंसर हाउ डिड आई यूज लीड कोड इफेक्टिवली। लीड कोड यूज करने का एक तरीका है, सबसे पहली चीज मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने सारे इजी क्वेश्चंस कर लिए। व्हाई? इजी क्वेश्चंस अराउंड काफी थे, 300-400 से ऊपर क्वेश्चन थे, बट मैंने 200-300 क्वेश्चंस इजी कर लिए। व्हाई? बिकॉज जब आप इजी क्वेश्चन कर लेते हो ना, वो भी 200-300, एक्चुअली 200-300 के काउंट से होता है कि आपको पता लगता है कि इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं,
ये टाइप का क्वेश्चन है, एंड जब आप 200 क्वेश्चन कर लेते हो ना, तो आपको एक ओवरऑल सेंस आ जाता है कि ये तरीका अप्लाई हो सकता है, क्योंकि 200 क्वेश्चन में हो सकता है कि आप वापस से कोई क्वेश्चन रिपीट पे देख रहे हैं। तो मैंने सबसे पहले इजी क्वेश्चन कर लिया जिससे मेरे को कोड करने की प्रैक्टिस हो जाए। एक्चुअली कोडिंग की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इजी क्वेश्चन आप करोगे ना तो आपके हैंड्स रनिंग रहेंगे। तो मेरी कोडिंग कोड्स लिखने की प्रैक्टिस काफ़ी अच्छे से हो गई थी, इजी क्वेश्चन से मैंने स्टार्ट किया, देन आई शिफ्टेड टू मीडियम। ठीक है, मेरा ये रहता था कि मैं हर दिन कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन करता था। कैसे? मैं 8 इजी क्वेश्चन करता था, 5 मीडियम लेवल, 2 हार्ड। ऐसे ही मैंने अपना डिवीजन कर रखा था, 8 इजी जिससे मेरी कोड लिखने की प्रैक्टिस कभी जाए ना, 5 मीडियम क्योंकि हमेशा हमें अपना लेवल ऊपर करना चाहिए, एंड 2 हार्ड, कुछ हार्ड क्वेश्चंस इंटरव्यूज के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये मेरा होता था, 15 क्वेश्चन दिन के करना है, दैट्स एनफ फॉर लीड कोड। उसके बाद लीड कोड इफेक्टिवली कैसे यूज़ करना है, लीड कोड पे सुबह मॉर्निंग में, संडे की मॉर्निंग 8:00 पे कॉन्टेस्ट होता है, 1.5 घंटे का, प्रॉपर DSO ओरिएंटेड होता है। मैं हर संडे को सुबह 8 बजे उठ के वो कॉन्टेस्ट देता था। 4 क्वेश्चन आते थे, 2 हो जाते थे स्टार्टिंग में, क्योंकि होता ही है, सबका एक स्टार्ट होता है। जब मैं प्रिपेयर करता तब मुझसे सिर्फ 2 होते थे, ये करता था। एंड एडिटोरियल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब एडिटोरियल्स पढ़ने का तरीका क्या होता है लीड कोड पे, जैसे आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मत स्किप करो, ट्राई टू गो एंड रीड द डिस्कशन सेक्शन। मेरे फेवरेट यूजर्स थे Lee215 एंड HiPet, ये 2 यूजर्स के मैं एडिटोरियल्स पढ़ता था। क्योंकि वाई एडिटोरियल्स आर इम्पॉर्टेंट, काफ़ी बार क्या होता है, यू ट्राई एंड राइट वेरी लॉन्ग कोड्स, आप बड़े कोड्स लिखते हो बट उसका एक शॉर्टर वर्जन होता है। जैसे आपको सम करना हो तो इन्यूमरेट फंक्शन, एक STL के अंदर एक फंक्शन होता है, आप डायरेक्टली वो फंक्शन यूज़ करके आप सम निकाल सकते हो, है ना। तो आपको शॉर्ट कोड्स पता चलता है, अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है। एंड Lee215 एंड HiPet आर वेरी गुड यूजर्स, उनके एडिटोरियल्स काफ़ी अच्छे होते हैं, समझ आते हैं। तो मैं हमेशा जब भी लीड कोड करता था, हर क्वेश्चन के बाद, सोल्यूशन के बाद, मैं कम से कम 3-4 यूजर्स के सोल्यूशंस देखता था। एंड नॉट ओनली दिस, लीड कोड पे आपको ना एक ग्राफ मिलता है कि आपका जो कोड है वो किस टाइम रीजन में लाइक कर रहा है। मैं हमेशा जो कम टाइम रीजन होता था उसमें जाके क्लिक करके, वहाँ पे जो रैंडम यूजर्स होते थे जिनका टाइम कम है, उनके कोड्स देखता था कि वाई उनका जो टाइम है, उनका टाइम कम क्यों आ रहा है एंड मेरा टाइम एग्जीक्यूशन ज़्यादा क्यों आ रहा है। तो ऐसे मेरे को 4-5 कोड देखने को मिलते थे। इसकी वजह से मेरी जो डोमेन है कोडिंग की वो बढ़ गई कि अच्छा ये फंक्शन, ये तरीका, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। दिस इज़ हाउ आप लीड कोड इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हो। 10 से 15 क्वेश्चन करने, 8 इजी, 5 मीडियम, 2 हार्ड, हर लेवल के क्वेश्चंस हो गए। संडे मॉर्निंग के कॉन्टेस्ट कभी नहीं छोड़ने, एंड एडिटोरियल्स पढ़ना कैसे वो मैंने आपको बता दिए, Lee215, HiPet एंड और भी अच्छे अच्छे यूजर्स हैं उनका पढ़ो, लेकिन एडिटोरियल्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको सिर्फ एक तरीका पता है कोड करने का, बट देर आर लॉट ऑफ मेथड्स। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं कि वेन इज द परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट विद कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग, मैंने कब अपनी कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग चालू करी। तो जब मैंने अपना लीड कोड 300-400 क्वेश्चन का बेरियर क्रॉस कर लिया था, तब मैंने सोचा था कि अब मेरे को DSA आता है, आई नो एवरी डेटा स्ट्रक्चर्स थोड़ा ज़्यादा, तो अब कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग पे स्किप कर जाते हैं, क्योंकि गूगल एंड जो बड़ी कंपनीज होती थी उनके अंदर कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के लेवल के क्वेश्चन आते थे, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते थे। तो मैंने सीनियर से बात करी कि इस कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग इंपॉर्टेंट और कैसे करनी है, तो उन्होंने मुझे बताया कि CodeChef एंड CodeForces आर गुड टू गो। तो मैंने क्या किया, क्योंकि कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में एक्स्ट्रा मैथ्स आती है, जैसे यूलर टोशेंट हो गया, नंबर थ्योरी आती है, तो ये हमारे को रेगुलर कोर्सेज में नहीं सिखाया जाता। सो फॉर दैट व्हाट आई डिड वाज, मैंने कोडिंग निंजास का कोर्स लिया, आई टुक द कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग कोर्स, जिसके अंदर पारिक सर थे हमारे मेंटर, बहुत अच्छा कोर्स था, मैंने उस कोर्स से चालू किया। एंड अब क्योंकि यहाँ पे मुझे कोडिंग आती थी, कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के कोर्स के लिए प्रेर रिक्वेस्ट DSA था, DSA के टाइम मैंने कोडिंग अच्छे से सीख लिया, आई न्यू हाउ टू राइट कोड। तो अब अलॉन्ग विद द टॉपिक्स ऑफ कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग, मैं उन टैग्स के क्वेश्चन आई यूज टू सर्च ऑन CodeChef एंड CodeForces, मैं वहाँ पे प्रैक्टिस करता था आफ्टर डूइंग लीड कोड। मैंने अब टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग पे CodeChef CodeForces पे DSA सीरीज
प्रैक्टिस करने लग गया अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस जो कोडिंग जस्ट के कोर्स में थे. मैंने ये किया. दिस इज व्हेन आई स्टार्टेड विद कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग. अलॉन्ग विद इट, क्योंकि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का जो डोमेन है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो एक और अच्छी वेबसाइट थी सी पी एल्गोरिथम्स, जहाँ पर आपको बहुत अच्छी थ्योरी मिलेगी. तो मैंने सी पी एल्गोरिथम्स से ग्राफ्स की थ्योरी, क्योंकि ग्राफ्स काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता था, मैंने ग्राफ्स की थ्योरी सी पी एल्गोरिथम से करी. एंड मैं प्रैक्टिस कोडशेप, कोड फोर्सेस और कोड स्टूडियो कोडिंग जस का, यहाँ तीनों जगह आई यूज टू यूज़ द प्लेटफॉर्म. मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस करी. जब हम कॉन्टेस्ट देते हमारी रेटिंग गिरती है. मैं कभी उससे नहीं घबराया, क्योंकि हमें पता होता था कि आज बेकार हुआ कल अच्छा होगा. कभी भी ये नहीं होता कि आपने पहले दिन कोड फोर्सेस पे चालू किया, आप सोच रहे हो कि मैं आज एक्सपर्ट बन जाऊँ, कल मैं कैंडिडेट मास्टर बन जाऊँगा. ये ग्रेजुअल प्रोसेस है. काफ़ी बार होप्स लूज होती थी, लेकिन बस चलना है, पढ़ना है, ये एंथुजियाज्म रखोगे हो जाएगा. लास्ट क्वेश्चन कि इंटरव्यू से पहले जो लास्ट 15-30 डेज थे, मैंने उसके अंदर पढ़ाई कैसे करी. लास्ट 15-30 डेज क्रूशल होते थे. एंड माइक्रोसॉफ्ट के इंटरव्यू से पहले आई वॉज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड. मैं कोडिंग ऑलरेडी काफ़ी कर चुका था. मेरे पास मैं लीड कोड पे 400-500 क्वेश्चन कर चुका था, कोड शेफ कोड फोर्सेस पे 250-250 क्वेश्चन कर चुका था. एंड कोडिंग में जैसे कोर्स में तो मैं ऑलरेडी कोड स्टूडियो पे मैं काफ़ी क्वेश्चन कर चुका था, तो मेरे को कोडिंग में कभी दिक्कत नहीं थी. बिफोर इंटरव्यूज कोडिंग में मेरे को थोड़ा था कि हो जाएगी. द मेन इश्यू वॉज कि OS, DBMS और OOPS कैसे करनी है. तो मैंने इसके लिए क्या किया, मैं कोर्स भी कर रखा था एंड मैंने इसके अलावा क्रैकिंग द कोड इंटरव्यू पढ़ी. क्रैकिंग द कोड इंटरव्यू में काफ़ी अच्छे से सिस्टम डिज़ाइंस दे रखा था, मैंने वहाँ से सिस्टम डिज़ाइंस करी. OOPS मैंने कोडिंग जैसे जो थ्योरी थी सब वो करके गया था. OS एंड DBMS के लिए मैंने GFG के जो लेमन्स होती है लास्ट मिनट नोट्स, मैंने वो पढ़े. जो भी टॉपिक होता था मैं देखता जाता था. एंड ऑल्सो अटेंडेंस सम ऑफ द कॉन्फ्रेंसेज, सो उनकी वजह से मेरे को OS DBMS थोड़ा आ गया था, बट इट वॉज नॉट मेरे इंटरव्यू में इतना पूछा नहीं. OOPS आर वेरी इंपॉर्टेंट. OOPS मैंने कोडिंग जैसे के जो नोट्स थे वहाँ से किए. एंड सिस्टम डिज़ाइन एज आई टोल्ड यू CTCI मैंने वहाँ से किया. लास्ट 15 डेज के अंदर थोड़ा आराम से प्रिपेरेशन होती है. कभी पैनिक नहीं करना है, क्योंकि इंटरव्यूज़ काफ़ी ईजी होते हैं, बस हमें डर लगता है कि नहीं होंगे अच्छे. तो ये मत सोचो, बस आराम से प्रिपेयर करते जाओ. कोडिंग के लिए मैंने क्या किया, क्योंकि लास्ट 15 डेज लास्ट 3 डेज के अंदर आपके ऊपर इतना प्रेशर होता है कि कोडिंग होगी या नहीं होगी, तो वट आई डिड वॉज टॉप 50 क्वेश्चन जो भी कंपनी के होते थे मैं वो निकाल के रखता था. जो जो क्वेश्चन मुझे पता थे मेरे मन में इंस्टेंटली क्लिक हो जाते थे कि ये सोल्यूशन है इसका. आई यूज टू राइट कोड, मैं हैंड टू हैंड कोड लिख देता था. 5 मिनट लगते थे कोड लिखने के अंदर. आई यूज टू राइट कोड्स, लिखा एंड सबमिट कर देता था, पास हो जाता था या गलती हो जाती, तो मुझे पता चल जाता कि मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ. बट जब मुझे क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं आ रहा होता 5 मिनट्स के अंदर, आई यूज टू सी ट्यूटोरियल्स, क्योंकि हमारे पास टाइम वेस्ट नहीं करना है. 5 मिनट में मैंने ट्यूटोरियल देखा कि कैसे करना है, मेरे को आया. एक बार मैंने अभी कर लिया, एक बार मैं थोड़ी देर बाद कर लेता था, इससे मेरे दिमाग में आराम से बैठ जाता. तो लास्ट 15 डेज में लेमन्स करने हैं OS, DBMS, OOPS के, ये मैंने किए. एंड जो क्वेश्चन मुझे आते थे मैं इंस्टेंटली कोड कर देता था, जो क्वेश्चन मुझे नहीं आते थे वो उनका मैं ट्यूटोरियल देख लेता था. तो काफ़ी ईजिली मैंने स्टार्ट किया. थोड़ा शेड्यूल टाइट था लेकिन कर गया, क्योंकि मेरी जो इंटर्नशिप चालू हुई थी दैट वाज इन अगस्त एंड मैंने प्रिपेरेशन ही मार्च अप्रैल में चालू किया था, तो मेरे पास चार एक महीने थे करने के लिए, तो इसलिए आई हैड अ वेरी टाइट शेड्यूल. लीड कोड मैंने इफेक्टिवली यूज़ किया. कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कोर्स करो. एंड जब आप क्वेश्चन अच्छे से करने लग जाओ तो कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग का कोर्स ले लूँ. कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के लिए यू विल हैव अ लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स. क्वेश्चन करो, इनके कोर्स में काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं. कोडिंग इंजास का मैंने जो कोर्स किया था बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है, वहाँ से मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी. सी पी एल्गोरिथम्स यूज़ किया. एंड लास्ट 15 डेज आर वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम काम रह के इंटरव्यू दिया. दिस वॉज माई ओवरऑल लर्निंग एक्सपीरियंस, काफ़ी अच्छा था, मेरे को मज़ा आया पढ़ने में, इसलिए मैं शायद 14-15 घंटे दिन के कर लेता था. तो दिस वॉज इट माई ओवरऑल लर्निंग एक्सपीरियंस. एंड आई होप मेरा जो पाथ था आपको सही लगेगा, तो आप फॉलो करें, वरना अपने हिसाब से अपना टाइम एडजस्ट करें. इट्स नॉट अबाउट कि 14-15 घंटे ही पढ़ना है, इट्स अबाउट आपको अगर अच्छा लगेगा तो आप पढ़ लेंगे. एंड एडिटोरियल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. एंड लास्ट 15 डेज की प्रिपेरेशन बहुत आराम से करें, अपना टाइम वेस्ट ना करें, बस अच्छे से करें. ऑल द बेस्ट,
एंड आई होप यू गाइज आर ऑल सेफ. अच्छे से पढ़ो, टेक केयर.